इसका अगला क्या यूज है, कंसेंटर चेनिंग के केस। कंसेंटर चेनिंग क्या होती है लिख लीजिए, कंसेंटर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कंसेंटर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल कंसेंटर इन अ चेन। कंसेंटर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल कंसेंटर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कंसेंटर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल कंसेंटर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम ए है। अब ए क्लास के अंदर ये मान लीजिए डिफॉल्ट कंसेंटर है, जिसमें एसओपी के अंदर हमने ले लिया मैसेज डिफॉल्ट कंसेंटर, ठीक है। फिर हमने ए क्लास में यहाँ पे बना दिया पैरामीटराइज कंसेंटर, एसओपी के अंदर हमने ले लिया, एसओपी के अंदर हमने ले लिया एक्स। फिर हमने ए क्लास के अंदर बना दिया इंट एक्स कॉमा इंट वाई वाला कंसेंटर, एसओपी के अंदर हमने बना दिया एक्स प्लस प्लस वाई, दोनों प्रिंट कर लिया। तो एक क्लास में तीन अलग अलग कंसेंटर हैं और ये हमारा मेन मेथड है। अब मान लीजिए कि हमने ए का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे तो डिफॉल्ट कंसेंटर कॉल होगा, दूसरे वाले को यहाँ चलाने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा न्यू ए और यहाँ पे पास करना पड़ेगा आर्गुमेंट, तीसरे वाले को चलाने के लिए फिर लिखना होगा न्यू ए, यहाँ पे पास करना होगा दो आर्गुमेंट तो कॉल होगा। लेकिन नहीं, हमें एक ही आर्गुमेंट के अंदर एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट पे सारे कंसेंटर चलाने। ऐसा करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंसेंटर कॉल हुआ है पहली बार, उसके सबसे टॉप वाले लाइन पे यहाँ पे लगा दीजिए दिस और यहाँ पे पास कर दीजिए आर्गुमेंट। अब आपको ये चलाना आप डिसीजन लीजिए। मान लीजिए मुझे ये चलाना है, तो मुझे एक आर्गुमेंट पास कर दिया 4040। ये क्या कर लेगा, पहले इसको ना कॉल करके यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इसके सबसे टॉप वाले लाइन पे यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 and 60, तो ये इसे ना कॉल करके कॉल कर लेगा इसको। तो आपने कौन सा कंसीडर कॉल किया था, इसे यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया। फाइनल आउटपुट कहाँ पे आएगा, पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपने कंसीडर ए को कॉल करा, लेकिन उसके पहली लाइन दिस मिल गई, जिसके ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, फिर आउटपुट ऐसे ऐसे मिलेगा, तो चेन फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसीडर चेन। कंसीडर चेनिंग मतलब ऑब्जेक्ट एक है और मल्टीपल कंसेंटर है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल कंसेंटर को एक चेन में कॉल करना कंसेंटर चेनिंग कहलाता है। लेकिन उसके लिए आपको दिस यूज करना पड़ेगा, दिस और दिस के आगे आपको यहाँ पे आर्गुमेंट args if any, अगर कोई आर्गुमेंट है तो यूज करिए, या सेमी कॉल लगाना पड़ेगा। तो ये दिस का अलग रूप है, एक अलग कंसेप्ट है। तो दिस को ऐसे भी एज आर्गुमेंट यूज करा जा सकता है, और इसको यूज तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पे कई ऑपरेशन करने, जैसे कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इंटरव्यू राउंड होते हैं, जैसे उसका एफटी होता है, जीटी होता है, टेक्निकल होता है, फिर एचआर राउंड होता है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग कंसेंटर है। ऑब्जेक्ट एक है और मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल कंसेंटर में अलग अलग, तो उस मल्टीपल कंसेंटर को कॉल करने के लिए यहाँ दिस यूज करा जाएगा। बट कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंसेंटर बॉडी, ये पहली लाइन होनी चाहिए। एक ऐसा कंसेंटर होना चाहिए जहां दिस नहीं हो, नहीं तो यहां फिर से दिस लगा दोगे अपने आप ये पिछले वाले को कॉल करने लगेगा। तो रिकर्सिव कंसेंटर इनवोकेशन नॉट अलाउड, मतलब इसने इसको कॉल किया फिर इसने इसको कॉल कर लिया, नहीं, अगर ऐसा होगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, कंपाइल टाइम पर आ जाएगा। रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन इनवोकेशन ये अलाउड नहीं है। सो दिस का यूज करके आप कंसेंटर चेनिंग कर सकते हैं। कंसेंटर चेनिंग के केस में जब दिस आप लगाएंगे तो ये पहली लाइन होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, और ये कंसेंटर चेनिंग दिस से भी होती है, आगे चल के इनहेरिटेंस में सुपर से भी होगी। तो ये दिस का एक अंतर